जी हाँ, मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में कदम उठाया था। आपके एक ऐतिहासिक कदम की वजह से ही आज हम लोग चंद्रयान 3 भेजने में कामयाब हो पाए हैं। आज पूरा विश्व भारत को सम्मान की नजर से देख रहा है। और उसके बाद मैं बधाई देना चाहूंगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और इसरो की पूरी टीम को, जिसने अपने अथक प्रयास से इस मिशन को कामयाब बनाया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिशन चंद्रयान की सफलता के साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है और अब तक अनछुए चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इसे लेकर हर भारतीय सहित दुनिया भर के लोगों में और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में बेहद उत्साह था। आज हम अपने इस वीडियो में मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताएंगे, जैसे इसका वजन कितना है, इस पर कुल खर्च कितना आया है। इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब्स हमें और बेहतर करने का हौसला देते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 की शुरुआत 14 जुलाई 2023 को हुई थी। करीब 3,898 किलोग्राम वजन वाले इस अंतरिक्ष यान को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से किया गया था। इसके वजन की वजह से इसरो के वैज्ञानिक इसे प्यार से बाहुबली के नाम से भी बुलाते हैं। अगर 130 हाथियों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो इसका वजन उनके भार के बराबर होगा और ऊंचाई कुतुब मीनार से कहीं ज्यादा है। ये करीब 44 मीटर यानी 15 मंजिला मकान के बराबर है। मिशन चंद्रयान 3 को पूरा करने में सिर्फ 615 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, जो अमेरिका और रूस के मुकाबले बहुत कम है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले चीन, अमेरिका और सोवियत संघ ये उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। अभी तक जितने देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी वो नॉर्थ पोल पर की थी, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराई है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।